वृंदावन में निधि वन के अंदर में मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ हमारे संगीत सम्राट स्वामी हरदास जी की समाधि है, उस स्थान पर मैं हूँ। और ये अंदर में आप देखिए, ये स्वामी हरदास जी की समाधि के दर्शन है। और यहाँ पर ये सभी समाज गायन में लगे हुए हैं। ये हमारे वृंदावन के ही स्वामी हरदास जी की जो संप्रदाय है, उन्हीं के ये अनुयायी हैं सभी। यहाँ पर ये समाज गायन जिसको हम लोग कहते हैं, स्वामी जी को संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाना। दीवन में खड़ा हुआ हूँ और ये ललिता सखी अवतार में हमारे राधा रानी बंसी बजाते हुए आज का दृश्य है। यहाँ पर ये ललिता सखी और राधा रानी का भव्य स्वरूप दर्शन है यहाँ पर। और ये बहुत से भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं बाहर से दर्शनार्थी। और आज शरद पूर्णिमा उत्सव है। शरद पूर्णिमा आज के ही दिन मेरे ठाकुर कन्हैया जी ने अनन्य गोपियों को, करोड़ों करोड़ गोपियों को लेकर के महाराज किया। जो वृंदावन का ये वास्तविक स्वरूप है, यहाँ के जो लता पता हैं, ये लता पताओं का दृश्य देखिए। ये अनन्य बहुत ही प्राचीन समय की लता पताएँ, भगवान के समय की लता पताएँ, जिनकी जड़ें सूख गई हैं, पत्ते हरे भरे हैं, खोखली हो चुकी हैं, पत्ते इनके हरे भरे दिख रहे हैं। ये हजारों हजार साल पुराना स्थान है। निधि वन, निधि कहते हैं एक खजाना, निधि का नाम है खजाना, वन माने जंगल। एक ये हमारा प्राचीन खजाना है श्रीधाम वृंदावन का। और ये लता पताओं से ही वृंदावन का ये स्वरूप है, परंतु वास्तव में ये निधि वन में ही हमको वृंदावन का स्वरूप देखने को मिलता है। बाकी हमारा वृंदावन पूरा पत्थर वन हो चुका है। कहीं भी वृंदावन के अंदर में हरियाली नज़र नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रही है तो एक निधि वन के अंदर में ही आती है। ये हमारे भक्त आए हुए हैं, आपसे मैं पूछूंगा, आप कहाँ से आए हैं जी? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से दर्शन करने आए हैं? हाँ। कितने परिवार आए हैं आपके? बहुत पूरी बस आई है। कितने लोग हैं? अच्छा, पूरी बस आई है। शुभ नाम आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, निधि वन में कितना टाइम लगा आपको दर्शन में? 15-20 मिनट लगे। 15-20 मिनट में आपने दर्शन कर लिए, कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है वृंदावन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रीमान जी, आप भी दिल्ली से इन्हीं के संग साथ में पूरी बस लेकर के आप लोग आए हुए हैं। बोलो राधा रानी की, बरसाने वाली की। आप बहन जी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हैं। आप दिल्ली से? आप ये अपना अपना कार्ड दिखा रहे हैं, आई कार्ड दिखला रहे हैं। कृष्णा सेवा समिति, उनकी उनके द्वारा ये। अच्छा, इनकी हर महीने इनकी 88 भी ये यात्रा है इनकी। और मुझे लग रहा है इनकी निशुल्क यात्रा होगी, ये निशुल्क यात्रा होगी। इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, रहने की, आने जाने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था संस्था के द्वारा ही होता है। ऐसे भक्तों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये देखो, एक बार मैं अंदर का झलक और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे जो बांके बिहारी जी मंदिर है वृंदावन का, हमारे विश्वविख्यात मंदिर, मेरे श्री बांके बिहारी जी के ये सेवायत भी हैं, पुजारी जी हैं। और इस समय में निधिवन के अंदर में जो भी सेवा चल रही है, वो इन्हीं के द्वारा ये सेवा यहाँ पर चल रही है। और मैं इनसे पूछूंगा कि ये आपको वृंदावन में इस वन के अंदर में, निधि वन के अंदर कितना समय से आप सेवा में हैं? अपना पहले शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम रोहित कृष्ण गोस्वामी। रोहित कृष्ण गोस्वामी जी, आप वृंदावन से ही हैं? हम वृंदावन से ही, बागे बिहारी मंदिर और निधिवन राज के सेवायत गोस्वामी हैं। निधिवन राज के सेवायत गोस्वामी। हाँ। कितने समय से आप निधिवन में सेवा में हैं? वैसे तो जो हमारे पिताजी हैं और बाबा हैं, वो 21 साल से सेवा कर रहे हैं, हमें 10 साल हो गए करते करते। यानी करीब 21 साल से आपके दादाजी ने सेवा की थी। हाँ। और लगभग 10 साल से आप इस निधिवन के अंदर में सेवा कर रहे हैं। हाँ, हाँ। आप मंदिर की निधिवन की सेवा, झाड़ू सेवा वगैरह जितनी भी सोनी सेवा होती है, वो यहाँ के जो हवेली वाले होते हैं वही करते हैं। कोई यहाँ पे कोई एम्प्लॉई नहीं लगाया हुआ, जैसे वो सफाई करता है, या काम वाली बाई नहीं लगाई रखी, वो सब जो भक्त आते हैं वही सफाई करते हैं यहाँ की। यानी जो हमारे जो वृंदावन के जो हरियाणा के रहने वाले हरगुलाल सेठ जी हैं, हवेली जिनको हमने पैसे कहा हमारे गुसाई जी ने, उन्हीं के परिवार के द्वारा ही पूरे निधिवन के अंदर में झाड़ू सेवा, सोनी सेवा जिसको हम लोग कहेंगे, सोनी सेवा उन्हीं के द्वारा होती है। जैसा कि हमारे रोहित कृष्ण जी ने बतलाया
और आज भीड़ कितनी दिख रही है आपको? ये शरद पूर्णिमा है, आज माना जाता है जो रात थी वो 6 महीने की एक रात थी, भगवान कृष्ण ने रास किया था जिसमें भगवान को क्या बोल शिव जी को भी प्रवेश नहीं दिया था। जो 6 महीने की रात है, आप जितने भी वृक्ष देख रहे हैं 16108 वृक्ष माने जाते हैं। 16108 जैसा मेरे गोस्वामी जी ने बताया, परंतु मैंने जैसा शास्त्रों के अनुसार पढ़ा हुआ है कि वृंदावन के अंदर में करोड़ों करोड़ गोपियों को लेकर के मेरे कन्हैया ने महाराज किया था, हर दो गोपी के बीच में एक मेरा कृष्ण खड़ा हुआ है। 16108 जो गोपियां हैं वो मेरे द्वारकापुरी की जो द्वारका के अंदर में है, वो ब्रज के अंदर में तो नहीं है, यहाँ तो करोड़ों गोपियों के साथ में महाराज किया वृंदावन में, वो ऐसा स्थान है। कितने दिन रास किया महाराज? ये जो रात थी ये शरद पूर्णिमा की रात, ये 6 महीने की एक रात मानी जाती है। सूरज उगने नहीं दिया था, चंद्र को डूबने नहीं दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, जब ये महाराज किया था ठाकुर जी ने आज के दिन। जैसा कि हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि चंद्र भगवान जब जाएंगे तभी तो सूर आएंगे, ऐसा मेरे सूर्य भगवान से क्या हुआ जो कि चंद्र भगवान ने सूर्य भगवान को 6 महीने की एक रात्रि कर करके और सूर्य भगवान को नहीं आने दिया, इस विषय में आज कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये शरद पूर्णिमा वाले दिन ही बांके बिहारी जी बंसी धारण करते हैं, मोर मुकुट कर काछनी धारण करते हैं, जो बंसी थी राधा रानी की, जो बंसी चोरा जब ठाकुर जी रंगमहल में सहन कर रहे थे तो उनकी बंसी चुरा के बंसी चोर राधा रानी यहाँ पर बैठ गई थी अपनी ललता विशाखा गोपियों के संग। तो बिहारी जी में पूरे साल वो क्या बोलते हैं बंसी धारण नहीं होती है, जो आज के दिन ही बंसी धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर ललिता सखी, यहाँ पर राधा रानी भी बैठी हैं, राधा रानी के आजू बाजू में ललिता विशाखा सखियाँ भी हैं, आज इन्होंने बंसी धारण नहीं की हुई है, जो आज बंसी सिर्फ और सिर्फ मेरे बांके बिहारी जी धारण करते हैं, साल में एक ही दिन बंसी धारण करते हैं। जैसा कि मैंने अभी गोस्वामी जी नहीं बतला पाए हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, आगे आगे ज्ञान भी आ जाएगा कि सूर्य भगवान को चंद्र भगवान ने क्यों नहीं आने दिया। आप ध्यान दीजिए, मेरे त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ अयोध्या जी में, सूर्य भगवान ने 2 महीने तक चंद्र भगवान को नहीं आने दिया, तो कलयुग के अंत द्वापर के अंत में मेरे चंद्र भगवान ने सूर्य भगवान को नहीं आने दिया 6 महीने तक।